भाई दूज के त्योहार पर सुबह से ही बहनों का निकलना शुरू हो गया था। बहनों का अपने भाइयों के घर जाना दिन भर लगा रहा है। किसी को भी आने जाने में दिक्कत नहीं हुई है। भरपूर मात्रा में ऑटो रिक्शा उपलब्ध रहे। 26 की दौज को कुछ ही लोगों ने मनाया था, लेकिन 27 तारीख की दौज को किस तरह से लोग मना रहे हैं और किस तरह से सवारियां यहां पर निकल रही है वो हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। क्योंकि कल जब हमने जायज़ा लिया था तो 21-22 सवारियां केवल ऑटो में बैठी थी, सवारी के लिए ऑटो वाले भी इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज क्या पोजिशन है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ऑटो रिक्शे की पोजिशन दिखाते हैं। आप साइड में हटिए ज़रा, ये देखिए आप तस्वीर। लाइन से ये ऑटो रिक्शे सभी खड़े हुए हैं और सब में सवारियाँ इस समय खचाखच भरी हुई हैं। आप थोड़ा साइड में हटिए ज़रा, अरे आप थोड़ा साइड में हटिए जरा एक मिनट के लिए भाई। ये देखिए तस्वीर, ये सारी बहनें अपने भाइयों के माथे पे टीका करने के लिए जा रही हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं कि ये लोग कहाँ किस तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बिजलीघर। बिजलीघर जा रहे हैं। कुछ आज त्यौहार वगैरह मनाने जा रहे हैं क्या? हाँ। कौन सा त्यौहार मना रहे हैं और कैसे इंतजार करते हैं इस त्यौहार का साल भर? भाई दूज मनाने जा रहे हैं, साल भर का त्यौहार है, भाई इंतजार करते हैं बहनों के लिए। तो बहन तो जाएंगी ना भाई का। रक्षाबंधन को भी भाई इंतजार करता है और दोस्त को भी भाई इंतजार करेगा। और क्या, तो बहन तो जाएंगी ना भाई के पास। अच्छा, तो आज क्या क्या करेंगे आप लोग? दोज करेंगे और क्या, गोला वगैरह, मिठाई वगैरह जो कुछ भी। सवारी वारी ठीक से मिल रही है? हाँ। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ता सवारियों का? नहीं नहीं नहीं, सही। पैसे वैसे ज्यादा तो नहीं मांग रहे? नहीं 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 नहीं, उसी हिसाब से चल रहे हैं जो है। ये भरा हुआ ऑटो है, और भी ऑटो है यहाँ पर, उसका भी उसकी भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से खुशी लोगों के अंदर उमंग है, किस तरह से उत्साह है। देखिए आप बोरी भी लेकर, थैला भी लेकर सिर पे जा रहे हैं। आप थोड़ा सा साइड में हटिए जरा एक सेकंड जरा। ये देखिए सवारी किस तरह से यहाँ पर भरी पड़ी है, सवारियों का रेला निकल रहा है। सभी बहनें अपने भाइयों के माथे पर टीका करने के लिए जा रही हैं। कल का जब हमने जायज़ा लिया था तो बिल्कुल यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आज देखिए किस तरह से लोग अपने भाइयों के लिए मिठाई लेकर के बैठी है थैले में। और मुझे उम्मीद है कि इसमें मिठाई ज़रूर होगी। इसमें क्या रखा है आपने थैले में? अब बात करते हैं जरा, एक मिनट रुकिए साइड से, चूँकि जगह नहीं है इसमें। क्या चीज़ रखा आपने थैले में? मिठाई है और कपड़े हैं। अपने घर जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए। भैया दौज है आज? कुछ नहीं, घर वालों के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे। बहुत खुशी है जाने की। नहीं, किराया वही है। हाँ जी, पैसा ले रहे हैं? हाँ, सवारी चार ही जाती है, चार ही है। हाँ, आसानी से मिल गई, सवारी आसानी के साथ मिल जा रही है। लेकिन ये रेला, आप भीड़ देख सकते हैं, ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा गया कि ऑटो रिक्शा एक तरफ से भरे जा रहे हो और सभी में सवारियां बैठी हों। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये त्यौहार का ही एक वानगी है कि त्यौहार के उमंग, खुशी, उल्लास किस तरह से लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। ऑटो में जगह नहीं है, कई ऑटो रिक्शा का हमने जायज़ा लिया, देख रहे हैं उसमें सवारी बहुत खचाखच भरी हुई है। अरे आप कहाँ जा रहे हो? बिजलीघर। क्या हो गया बिजलीघर? बिजलीघर क्या हो गया, घर कुछ त्यौहार वहार है क्या? हाँ। त्यौहार बताओ ना। भाई दौज है। हाँ। सवारी आसानी से मिल रही है? हाँ। अच्छा, तो सवारी आसानी से मिल जा रही है। इनका भी ऑटो भर गया, ये भी निकल रहे हैं यहाँ से। एक सेकंड रुको जरा, चलिए चलिए निकलिए निकलिए जाइए। ये देखिए जरा, एक सेकंड जरा रुकिए, हल्के आगे बढ़ाइए, थोड़ा आगे बढ़ाइए जी। अरे बहन जी, कहाँ जा रही हैं आप? बिजली जा रही है तो बताओ। भाई दौज करने के लिए, और क्या, इनको काफ़ी खुशी है। देखिए एक सेकंड यानी कि एक एक मिनट के बाद ये सवारियां, ये ऑटो सारे भर जा रहे हैं। और यही वजह है त्यौहार का जो एक उमंग उल्लास देखने को मिलता है वो त्यौहारों पर ही मिलता है। हिंदुस्तान विभिन्न परंपराओं, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न सभ्यताओं का देश है। यहाँ तरह तरह के त्यौहार, तरह तरह के कदम पर एक एक कदम पर, यहाँ पर 200-200 मीटर की दूरी पर अलग अलग तरीके से त्यौहार भी मनाए जाते हैं। यही वजह है कि इसके पूरी दुनिया में डंका बजता है हिंदुस्तान के त्यौहारों का, हिंदुस्तान के कल्चर का। और आज सवारियों को टोटा नहीं है, ऑटो रिक्शा वाले खूब खुश हैं और सवारियां भी खुश हैं कि उनको सही समय पर सवारियां मिल रही हैं। कैमरा पर्सन राहुल साध विनोद जूनियर, सी न्यूज़ आगरा।